हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर फ्लिपकार्ट से खरीदें, अगर आपको खरीदने नहीं आ रहा है कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से, तो वो किस तरह से खरीद सकते हैं बिना कोई टेंशन के। आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह से खरीद सकते हैं। अगर आपको खरीदने नहीं भी आ रहा है तो अच्छे तरह से मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा जिसको आप खरीदना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेट आप देख रहे हैं, ये रेट देख लीजिए, आपको किसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 449, 399, 393 इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको जिसको लेना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको 399 वाला दिखाता हूँ कि अगर इसको अगर लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं। तो चलिए इसको आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे बाई नाउ करना है, क्योंकि मैं खरीदने से रिलेटेड बताऊँगा कि किस तरह से खरीदना है। तो यहाँ पर बाई नाउ करना है, बाई नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए आगे जाएगा। आगे जाने के बाद यहाँ पे एक समरी देगा। अगर आपको पहले से यहाँ पे अगर कोई भी अगर एड्रेस नहीं जुड़ा हुआ है, या अगर आप चाहते हैं कि आप अगर एड्रेस चेंज करें, तो यहाँ पे चेंज और ऐड एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना एड्रेस यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। या नहीं अगर कोई एड्रेस है तो वहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। इसको एड्रेस को डालने के बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट एक यहाँ पर चूज है, उसके बाद कंटिन्यू नीचे है, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, इस चीज़ से यहाँ पे पैसा देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको वही चूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, गूगल पे यूपीआई है, यूपीआई है, वॉलेट है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है, नेट बैंकिंग है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो घर पर आकर आपको यानी जो प्रोडक्ट है वो दे देगा, और उसके बाद उसी समय आपसे पैसा हाथों हाथ ले लेगा। एक हाथ में पैसा और एक हाथ में वो जैसे सामान देकर जाएगा। तो इस तरह से होता है कैश ऑन डिलीवरी का, यही मतलब है कि जब सामान लेकर आएगा उसी समय आपको पैसा देना पड़ेगा। और अगर ये सब करते हैं तो आपको उसी समय जैसे जिस समय आप प्रोडक्ट को यानी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसी समय यूपीआई ये सबसे पैसा जमा करना पड़ता है, वॉलेट से, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, ये सब। तो अगर आप चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी करना, तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी। इसको कैश डिलीवरी को चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लेस ऑर्डर लिखा गया है, इस पर आप यानी क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक कैप्चर कोड मिल रहा है। देखिए एक कैप्चर कोड मिल रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे इसमें यूज़ कीजिए, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे कैरेक्टर को यूज़ कीजिए, और उसके बाद कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, और आपके घर तक जो टाइम लगेगा उस टाइम तक आपके घर तक आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे ये ऑर्डर नहीं करना है, बस आपको समझाना था, तो मैं पूरी जानकारी आपको दे दिया हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अपडेट, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।